जिंदा हो yes. है ना देखो आज हमने एक दिन इन्वेस्ट किया और हमारे तीन लेक्चर रिकवरी हो गए मतलब जो हमारे सात दिन की छुट्टी थी उसमें से तीन तो रिकवर हो गए कल भी अगर ऐसा कर लिया तो पूरी रिकवरी जीरो हो जाती बराबर है कि नहीं हाँ तुम क्यों नहीं करोगे अब तो तुम कुछ <laughs> रात में <laughs> तुम काय को नहीं करोगे मैं अभी अगर बोल दो साढ़े सात से नौ का एक कर लेते हैं हाँ ठीक है ना सर करो 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 खत्म करो साले को नहीं तुम काय को नहीं करोगे तुम तो जरूर करोगे बराबर है है कि नहीं तुम तो बोलोगे आज जो बजे तक बैठना है। बैठ रहे ना हमारा जीवन में रखा क्या है और इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है बराबर है कि नहीं आज सिलेबस ही कंप्लीट कर डालो है ना बरबर रात में बारह बजे तक के तो ले सकते यार अपन मतलब ऐसा कुछ नहीं है बराबर है नहीं है, है है। कि कि नहीं नहीं बराबर चलो एक बात समझिए कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है आज ये जो आप कर रहे हो ये कुछ नहीं है आपके ड्यूडेट के प्रिपरेशन से जिस दिन आप ड्यूडेट करोगे ऑफिस के अंदर में बैठ करके उस दिन नॉर्मली जो डे होता है वो आठ दस घंटे का होता है डेट्स के अंदर में ये पूरा महीना कब दिन आ रहा है कब दिन जा रहा है कब संडे हो रहा है कब मंडे हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा एक टाइम होता है जब मेहनत कर लेनी चाहिए एकदम फैक्ट बात बताता हूँ आपको एक टाइम होता है जब सच में मेहनत कर लेनी चाहिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता और आप जितने ज्यादा बहाने दोगे कि यार ये बहाना है वो बहाना है आज तो ये है आज वो है चल यार आज थक गए बस यार आज के लिए बहुत हो गया बाद में देख लेंगे बाद में कुछ नहीं होता जो होता है वो तुरंत हो जाता बाद में कुछ नहीं होता बात समझना तुरंत जो हो जाता है वो हो जाता है फ्लो फ्लो में जो हो सकता है वो हो सकता है बाद में कुछ नहीं हो सकता ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग ऐसा नो बटा एक पॉइंट जरूर आएगा जब आप इस चीज को बहुत यू नो थैंक करोगे कि आपने ये मेहनत करी थी ठीक है अब ऐसा पचास से पचास से सौ बार ऐसा होगा कि आपको बार बार इस पॉइंट पे डाउट आएगा क्या क्या डाउट आएंगे मैं आपको बताता हूँ उस प्रोसेस से गुजरता हूँ इसलिए समझ में आता है पहला डाउट इतना मेहनत कर तो रहा हूं मैं सच में मेरे को यही करना है क्या आप में से बहुत लोगों को दिन में एटलीस्ट दो बार तो ये क्वेश्चन खुद के ऊपर आता होगा कि क्या मेरे को यही करना है क्या दूसरा जो आपके ऊपर आता होगा ना वो ये होता होगा यार जरूरत है क्या मेरे को ये करने की लुकिंग इन टू द फैमिली बैकग्राउंड बहुत से लोग ऐसे भी होता होगा कि यार मेरे को ये जरूरत है क्या तीसरे ऐसे लोग होंगे जिनको करे बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है या तो ये करना ही पड़ेगा या तो मैं पूरे गेम से आउट हूं चौथे वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं मतलब मिल गया तो डायमंड है नहीं तो ठीक है ना मतलब क्या है ट्राई तो कर ही रहे हैं हम लोग मैं एक बात बताऊं इन पूरी प्रोसेस के अंदर में बीइंग एक रिजल्ट जब फेल आया दो रिजल्ट जब फेल आया मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई एक रिजल्ट फेल दो रिजल्ट फेल फेलियर के बाद ये सारी चीज़ें आना बहुत कॉमन है और समझना हम लोग ना सब एवरेज बच्चे हैं एक बात समझिएगा अब मैं एवरेज क्यों बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न है उसका एक रीज़न बड़ा सिंपल है कि भैया हम लोग को एक बार में चीजें नहीं मिलती हम एक बहुत मध्यम परिवार से आते हैं और हमको एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब तो को सब चाहिए <laughs> मतलब समझ रहे हो क्या माल मसाला भी पूरा चाहिए लाइफ में पढ़ भी लेंगे अपने। अपने बराबर है कि नहीं बिलीव मी हमारे जैसे लोग ही ना बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को क्योंकि मैं अगर मैं मेरे और मेरे कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊँ जो बहुत पढ़ने वाले लोग थे ना हमारे मतलब वो जो फर्स्ट बेंचर वाले जो होते न टीचर बोले उसके पहले जवाब आ गया वो वाले कैटेगरी ठीक है टॉपर्स जिसको हम बोल सकते वो जो थे आज ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं है वो भी सक्सेसफुल है लेकिन कई बार क्या होता है ये लोग ये ऐसे दोस्त ना लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं पैसा हम सब कमाएंगे कोई ज़्यादा कोई कम कोई प्लस कोई माइनस डजेंट मैटर हम सब करेंगे लेकिन बॉस आपको पैसा कमाने के साथ साथ ना ऐसी भी चीज चाहिए कि आपके शौक होने चाहिए कि आप चीजों को करो अलग अलग हरकतें और ये तब पॉसिबल है जब आपने इनिशियल लाइफ में ना बहुत कुछ किया हो इसके आगे जब आप कंप्लीट कर लोगे इस डिग्री को ना तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप पैसा भी कमाओगे ना तो उनको पता रहेगा इस पैसे को उड़ाना कैसा है कमा हर कोई लेता है उड़ाने का हुनर हमें हर एक में नहीं है बहुत लोग कमाते वे मैं देखो जेन्यन भी बता रहा हूँ बहुत लोग कमाते हैं लेकिन शौक पे पूरा उसे खर्चा करने को सच में जीवन कहा जाता है अगली जिंदगी में आएगी पता नहीं तुम्हारे को कुत्ता घोड़ा गधा क्या बना के भेज दे तुम ये सब कुछ कर पाओगे क्या नहीं तो हर चीज करो हां रही बात पास और फेल की तो इट डजेंट मैटर कोई पास या फेल होने से तुम्हें आज कोई जज नहीं कर रहा और जो तुम्हें जज कर रहा है ना कि तुम तो फेल हो चुके हो दो अटेम्प्ट लग चुके तीन अटेम्प्ट लग चुके बिलीव मी उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है जो तुम्हें जज कर रहा है उसने कुछ ही अचीव नहीं किया है और जिसने अचीव किया उसके पास टाइम ही नहीं है तुम्हें जज करे समझ रहा है कि नहीं तो ऐसे कई लोग होंगे जो तुमको बोलेंगे कि भैया इससे नहीं होने वाला जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा है तुम जब चाय पीने जा रहे हो पढ़ाई करने के बाद तो तुम्हें टॉन्ट दिया जाएगा कि भैया ये क्या दिन भर घूमता रहता दिन भर फोन पे ही रहता लाइब्रेरी में यही करता रहता वही करता रहता आज ना जिसको जो बोलना है बोलने दो बराबर है ना कई बार तुम जवाब ना देके तुम्हारा वक्त जवाब दे ये ज़्यादा सही है समझ में आ रही बात कई बार तुम्हारा वक्त सही तरह से जवाब दे दे वो ज्यादा बेटर है और जिस दिन तुम सक्सेसफुल होंगे आज नहीं दो साल बाद तीन साल बाद पाँच साल बाद वेन टाइम सबका आता है एक बात याद रखना घड़ी बारह बजे दिन में दो बार दिखाती है सुबह भी और रात में भी समझ में आ रही बात तो डाउन होगा तो अप भी होगा अप होगा तो डाउन भी होगा दैट्स हाउ बिजनेस साइकिल वर्क समझ में आई बात तो तुम अपना काम करते रहो जो तुमको बेस्ट लगता है वो करते रहो रही बात पास और फेल की ना तो वो पॉइंट छोड़ दो आज पास कल फेल ये वो अटैम्प्ट सिर्फ एग्जाम में नहीं होते लाइफ में भी होते हैं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अटैम्प्ट सिर्फ लाइफ में नहीं होते सारी चीज़ों में होते हैं आप हर जगह हर चीज़ पूरा नहीं कर सकते दैट्स वॉट यू कैन डू तो डू योर बेस्ट एक बात समझना जस्ट डू योर बेस्ट बाकी छोड़ दो पास है फेल है ये है वो है छोड़ दे ये सब कुछ नहीं है मैं एकदम ऑनेस्ट बात बताता हूँ ये डिग्री रहे या ना रहे तू जरूर रहने वाला है और तेरे साथ ना ये डिग्री आए ना आए तेरा कॉन्फिडेंस नहीं मरना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ मी जिन्होंने सीए नहीं किया पर आज बहुत सक्सेसफुल है हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है बिजनेस के अंदर में, मैं आपको एक दोस्त बताता हूँ इसका नाम था uh, हरीश ये जो दोस्त है इसका सीए कंप्लीट नहीं हुआ बराबर है बंदा बिजनेस के अंदर में एंटर किया आज यू you नो know, बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली बिजनेस था फैमिली बिजनेस को उसने आउट ग्रो कर दिया और आज मतलब हम शायद जितना कमा रहे हैं आपके हिसाब से हम ज्यादा कमा रहे होंगे हम जितना कमा रहे हैं वो हमसे थ्री एक्स पे कमा रहा है तो ऐसा नहीं होता आप सक्सेसफुल नहीं होगे उसने एक चीज जो नहीं छोड़ी वो ये थी कि भाई मैं कर सकता हूं ये वाला कॉन्फिडेंस यस yes? और आप ना सिर्फ एक जगह लैक कर रहे हो आप नॉलेज में लैक नहीं कर रहे बिलीव मी आप नॉलेज में लैक नहीं कर रहे हैं आप उनमें एक ही जगह लैक कर रहे हैं वो है एक ही चीज की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आज भी आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना आज भी आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कैसे चालू करूं तो तुम जीवन में पास नहीं हो सकते एक और अटेम्प्ट भी नहीं और वो बच्चा जिसने चालू करके सॉल्व करना चालू कर दिया मल्टीपल सॉल्विंग जहां अटके वहां कंसेप्ट को देखना है वो बच्चे को आप मेरी बात मान के चलो कि पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता कोई इंस्टीट्यूट नहीं रोक सकता क्योंकि उसने क्या किया है एक ही चीज को करने उसको है ना ये पता है कौन सी गलती नहीं करनी है समझ में आ रही के बात जिसने सॉल्व किया उसको पता है कौन सी गलती नहीं करनी है और जिसने सॉल्व ही नहीं किया वो ये गलतियां बार-बार करता बैठेगा तो एक्सपीरियंस्ड बंदा जो होगा ना वो इसको पास कर देगा आपको जितना टाइम मिल रहा है आधा घंटा एक घंटा कोई पर्टिकुलर लेक्चर हो नहीं हो व्हाटएवर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखो जहां थक रहे हो ब्रेक्स लो जैसे अगर आज देखेंगे हम हमने अप्रोप्रिएट टाइम पे जहाँ मेरे को लगा कि नहीं यार बहुत हो गया साढ़े चार को छोड़ने वाला लेक्चर में चार को छोड़ दिया माना नहीं यार अगर एग्जॉस्ट हो गए तो पढ़ा के मतलब नहीं है क्योंकि मजा नहीं आएगा तो आप क्या करो समय समय पे ब्रेक ले लो छोटे से ब्रेक ले लो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत करो यस आप अगर पंद्रह मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो पंद्रह मिनट का ही ब्रेक लो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत करो क्योंकि जो आज हो जाएगा वो आज हो जाएगा बराबर है इकोनॉमिक्स में हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है फाउंडेशन में अ डे लॉस्ट ऑफ लेबर के नॉट बी रिकवर्ड याद आ रहा है क्या याद कि वो कल रिकवर नहीं होगा आप बोलोगे कल मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा वो नहीं हो सकता आज जो हो सकता है आज हो सकता है करके खत्म कर दे समझ में आई बात जहां तेरे को नींद आ रही होगी मैं तेरे को लिटरली बोलता हूं आधा घंटा उठते को बहुत नींद आ रही होगी आधा घंटा उठ सिर्फ आधे घंटे से अपने आप को स्ट्रेच कर जहां तू बोल देना ये मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई बस अपने आप को आधे घंटे से और स्ट्रेच कर दे ये आधा घंटा अगर तूने डेली बेसिस पे भी स्ट्रेच कर दिया तो तेरे डेढ़ दो घंटे एडिशनल रिकवर हो जाएंगे जहां नींद आए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में छोड़ दूसरे पे स्विच कर डेढ़ दो घंटे पे एक दिन के अंदर में बेसिक गलतियां मत कर पहली गलती एक दिन पढ़ूंगा सारा लेक्चर खत्म कर दूंगा नहीं हो सकता दिन में तेरे को चार से पांच टॉपिक लेने हैं चार से पांच सब्जेक्ट लेने हैं और उन हर सब्जेक्ट को दो दो ढाई ढाई घंटा अलॉट करना है और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है मेक श्योर क्लासेस कंप्लीट फास्ट ट्रैक एंड अदर थिंग कंप्लीट होने के बाद यू विल सॉल्व एटलीस्ट टू पेपर पेपर सॉल्व करो क्योंकि वो तुम्हारा रियल एनेक्सिटी टेस्ट होता है क्योंकि कई लोगों को ना कंसेप्ट बहुत क्लियर है पेपर सामने आते हैं एनेक्शियस हो जाते हैं कि वो ब्लैंक हो जाते हैं लिटरली ब्लैंक हो जाते हैं मेरे साथ हुआ था कॉस्टिंग का पेपर था मेरा फियर है भाई मैं क्या करूँ मेरा फियर है कॉस्टिंग एक फ़ियर था मेरे को और दूसरा मेरा ऑडिट फियर था ये मेरा फियर था और तीसरा था हमको आई टी एस एम आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा शायद आई टी एस एम दुनिया का सबसे घटिया सब्जेक्ट हो सका हो दुनिया मतलब पढ़ाने वाला टीचर वहां ने सब्जेक्ट बहुत ही घटिया है बराबर है और हमारे टाइम पे तो क्या था मतलब इतना एडवांस नहीं था टाइम तुम्हारा तो क्या था माउस वो ऑप्टिकल माउस माउस ऐसा कुछ तो फालतू फालतू चीजें थी सेवन लेट्राजिन नहीं रही आप समझ रहे हो हम जिस तरीके के लोग हैं ना हम कोई भी चीज देख के सीखते हैं <गया> हमेशा से प्रोसेस वही रहा है पहले देखो फिर <laughs> अप्लाई करो प्रोसेस वही रहा है देखा इतने समझदार बच्चे हैं मैंने जैसे ये कहा सब समझ गए मैंने क्या देखा और क्या लिखा अप्लाई किया <laughs> पर सिंपल सी बात है अब आप मेरे को बोलोगे सेवन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अरे क्या समझ में आने वाला है मेरे को फिर फ्लो चार्ट बनना वो फ्लो चार्ट बनना फ्लो चार्ट यहाँ पे समझ में तो भी आता है इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कैटेगराइज करना है समझ में भी नहीं आ रहा मेरा कॉस्टिंग का पेपर मैं कॉस्टिंग तो फटी हुई को कॉस्टिंग कहां तक याद था मटेरियल <laughs> 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 तुम्हारे साथ भी वही है मटीरियल <laughs> तक के पूरा याद मतलब कितने चैप्टर दो <laughs> अच्छा वो मार्जिनल का भी वो बीपी तक के सब ठीक होता है याद आ रहा है बीपी तक के सब ठीक होता है बीपी के आगे क्या होता है वो नहीं पता और स्टैंडर्ड में वो चार बेसिक वरायन आते हैं ना वो उसके आगे क्या हो रहा हूं मेरे को घंटा नहीं समझ रहा अभी मैं मेरे साथ कॉस्टिंग में प्रॉब्लम की मैं ऐसे क्वेश्चन को देखू और मेरे को यही समझ नहीं आया कि उसमें करना क्या है मतलब आप समझ रहे हो वो सर्विस कॉस्टिंग ज्वाइंट कॉस्टिंग वो सब तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था मेरे बात समझना टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया सब सारी चीज हुई मेरे को तो समझना चाहिए ना जरूरी थोड़ी ना भैया हर एक को जो काजू कतली पसंद है मेरे को भी हो हो सकता ना मेरे को रस भरा रसगुल्ला भी तो पसंद हो सकता है रस भरा रसगुल्ला बोला मैंने पसंद हो सकता है ना मेरे को और यार मैं देखिए मैं पेपर में पहुंचा पेपर में पहुंच करके पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे को तो समझा ही नहीं वैसे बाहर आके दोस्त ने बताया ये तो स्टैंडर्ड का था ठीक <laughs> है मैं बैठा स्टैंडर्ड समझ में तो कुछ आ नहीं रहा पेज पलटा दो थे क्वेश्चन मेरा भरोसा उठ गया अपने आप से क्वेश्चन में थियरी आती है ये तो बताया नहीं था ऐसा थोड़ा ना होता ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है फिर वो, वो कुछ तो मेथड थी ओवर की कुछ मेथड

दे ही देगा हर प्रोफेशनल स्टूडेंट का होता है कि चालीस तो दे ही देगा वो थर्टी नाइन पे तो नहीं अटकाएगा अपन भी पहुंच गए बिल्कुल भाई जोश में सब हुआ, सब हुआ सब हुआ सब हुआ रिजल्ट का दिन आया रिजल्ट का दिन आया तो वो हर सी स्टूडेंट के जैसा मैंने भी ये रिजल्ट सेपरेट कोड जामुनी कलर की पट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नीचे विजय सालडा अपन डायरेक्ट नीचे पहुंच गए खेल कॉस्टिंग चौदह मार्क्स <laughs> जो है वो है भाई क्यों गलत बोलू अब आप जानते हैं मैं ऑलरेडी फेल हुआ वो तभी तो आपके साथ की चीजें शेयर करना जानता हूं चौदह मार्क्स कॉस्टिंग में उस दिन ना मेरे को एक चीज समझ में आई साला इतने से, से तो काम नहीं होगा अच्छा बाकी सब में भी बहुत अच्छे नहीं थे इन टोटल इन टोटल छो सब्जेक्ट का टोटल था डेढ़ मार्क्स सब्जेक्ट का टोटल ही कितने मार्क्स था डेढ़ सौ जिसमें से मेरे को ऐसा था कि यार टैक्स लॉ अपन तो बहुत है ना को सब अपने बहुत भारी आता था जब मैंने देखा ना बेसिक गलतिया अच्छा फिर क्या हुआ फेल हो गया तो अपने को ऐसा लगता है कि मार्क्स का सॉल्व करके आया था इनके चौदह ही मार्क्स दिए मैं रीचेकिंग को डालता हूं होता उसमें कुछ नहीं अपन डालते कुछ लोग के लिए होता भी है मैं बोला भाई देख

नेजेंट ने नहीं हो रहा तो टाइम मैनेज करने के लिए क्या किया देर इज सिंपल वे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं टाइम कैसे मैनेज करें बिलकुल टाइम मैनेज करना ही नहीं पड़ता अगर आप एक ही चीज को कम टाइम में करना जानते हैं तो दैट्स ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट तो सेम चीज को क्या करा दनादन दन सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया जब मैंने आठ दस क्वेश्चन सॉल्व किया तब मेरे को समझ में आया कि यार हाँ मेरे को कौन सी जगह पे टाइम नहीं लग रहा है और कौन सी जगह पे टाइम लग रहा है बराबर है अब मैंने जैसी वो चीज करनी चालू करी मेरे को फर्क दिखने लग गया वापस से पेपर उठाया वही पेपर को फिर से सॉल्व किया अगेन इसके अंदर में मेरे को चार से साढ़े चार घंटे लग गए मैंने बोला इतने से ऐसे नहीं होगा और करना पड़ेगा और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जितना पॉसिबल हो कि भैया इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते वो सारी चीज, सारी चीज सारी चीज सारी चीज लिखने चालू करी और उसके बाद मैं तीन से चार बार खुद अपने आप हमारे टाइम पे टेस्ट पेपर नाम का कंसेप्ट नहीं होता था बराबर है तो हमको ही क्या करना पड़ता था लिख करके इवेल्युएट करना पड़ता था कि भैया कितने टाइम में हो रहा है और क्या हो रहा है ओवरऑल मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर में जब मल्टीपल मैंने ट्राई किए तो वो पचास से ऊपर आ रहे थे फेयरली मेरे को लगा कि मैं पास हो जाऊंगा पर मैंने कहा कि यार देख यहां तो मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने देखे हैं नहीं देखे उसके लिए क्या अगेन उन क्वेश्चंस को उठाया अलग अलग जगह जहां से मिल रहा उठाने का सॉल्व करने का जहाँ अटके समझ में आने का कि यार हाँ ये गड़बड़ की है तो कौन सी गड़बड़ नहीं करनी है पहले ये समझना है आप सबको एक छोटा सा बात बोल करके कंसेप्ट चालू करता हूँ

आप ये करना है तो आप क्या करते थे डेबिट और क्रेडिट कभी आपने सोचा आपको 100 में से 80 आ रहे हैं 100 में से 90 आ रहे हैं उस पेपर में अकाउंट के तो रूल बदले ही नहीं तो आज क्या हो गया तो फर्क ये पड़ गया कि अकाउंट्स में आपने उसी चीज को 50 बार 60 बार सॉल्व किया था तो आपको क्लियर समझ में आ गया था ये इधर डेबिट है और ये इधर क्रेडिट है तो आपने ब्रेन के जगह हाथ को भी प्रैक्टिस करवा दी थी कि ये इधर डेबिट होगा इधर क्रेडिट होगा ये होगा ये होगा किसी भी पेपर में हम जैसे एवरेज बच्चों के साथ एक ही चीज है आपको बस ये पता होना तो आप दीरे 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 एंड तक पहुंचते जाएंगे आज हमने सैलरी के अंदर में तीन से चार क्वेश्चन लिए आपने एक चीज फोकस की आपको यह पता था इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये जहां रहे वर्किंग नोट सोचो अगर

यस yes, क्लास में तेरे को छोटे 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 सॉल्व कराए है जाते हैं ताकि तू बड़े पे पहुंचे ये रेगुलर क्लास का पार्ट है पर तेरे को आना तो बड़े क्वेश्चन है आप देखो मैंने फास्ट ट्रैक के अंदर में कोई छोटा क्वेश्चन नहीं रखा ना कोई ग्रेजुटी पे ना कोई रिटायरमेंट पे रखा ही नहीं रेगुलर बैच होती आपको चालीस से ऊपर क्वेश्चन सोल्व करा के बैठा होता मैं अब तक चालीस से ऊपर क्वेश्चन सोल्व करा के बैठा होता पर वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर में नहीं है जिस जो पहली बार पढ़ेगा मुझे उसे करवाना पड़ेगा पर आप ये करिए बड़े क्वेश्चन उठाइए एक से ज्यादा बार उसको सॉल्व कीजिए देखिए मल्टीपल अजम्पन्स हो सकते हैं जैसे अभी कन्वियंस का हमने देखा राइट इंस्टीट्यूट ने उसी चीज को क्या ले रखा है कंप्लीटली एग्जाम हमने उसको क्या ले रखा है टैक्सेबल तो आप ये देखिए कि भैया क्या अजम्पन अलग हो सकता है और किस जगह पे अजम्पन अलग हो सकता है हमने क्या करना चाहिए तो आप इस चीज को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे बड़ी चीजें उठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है डरो मत अटकोगे दैट्स ओके रुकोगे दैट्स नॉट ओके समझ में अटकोगे दैट्स ओके रुकोगे दैट्स नॉट ओके समझ में आई बात आज से भी अगर हम देखें तो लगभग लगभग 130 से 140 डेज बचते हैं एग्जाम के अंदर में मोर देन सफिशियंट टाइम है एक और बोध ग्रुप दोनों के लिए अगर आपके पास सिर्फ 80 डेज बचे होंगे एग्जाम के लिए तो आप सिर्फ एक ग्रुप दे सकते हैं आज आपके पास बहुत बड़ा टाइम है लगेगा नहीं आपको 130 से 140 डेज ही बचे होंगे शायद 120 से 140 बचे होंगे वॉट एवर उससे भी कम हंड्रेड से भी कम होंगे ठीक है अगर हंड्रेड से भी कम है मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया मैं सिर्फ समझ रहा हूँ। अगर हंड्रेड से भी कम है आपके पास तो आप अभी भी क्या कर सकते हो एक ग्रुप तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो प्रैक्टिस करके बड़े आसानी से अनलेस एंडल आपका ग्रुप टू का भी एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट कंप्लीट हो चुका हो तो बस क्या करो प्रैक्टिस करो अब लॉ जब आप लिख रहे हो या ऑडिट जब आप लिख रहे हो एसएम जब आप लिख रहे हो पॉइंटर्स पहले याद कर लो कि ये पॉइंटर्स है अंदर की फ्रेमिंग इट्स ओके तुम बना सकते हो एज इट इज़ वर्ड्स नहीं लिखने होते जहाँ तक मेरे को लगता है बट फिर भी फ्रेमिंग आपको अगर जम गई तो आप काम कर सकते हो समझ में आ रहा है तो इट्स ओके टू हैव वन अटैम्प मल्टीपल अटैम्प फाइव अटैम्प सेवन अटैम्प कुछ नहीं होता मेरे को खुद को दो से ऊपर लगे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता डज दैट मीन्स दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल और समथिंग नो ऐसा कुछ भी नहीं है समझ में आ रही है बात जितनी इच्छा है वो पूरी कर चुका हूँ और पेरेंट्स मेरे पे प्राउड है इससे ज़्यादा कमाई अपने को चाहिए भी नहीं बात समझना जितनी अपनी इच्छाएं हैं वो बहुत है बहुत है अपने को जितना मिल रहा है वो भी बहुत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अपने पैर पे खड़े होना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर टेक ओवर करना खत्म हो गया बात आप अगर किसी और से कंपेरिजन करने जाओगे ना जीवन में कभी नहीं जीत पाओगे

हो सकता है कोई अभी मेरे जो कंप्यूटर पर बैठा हो वो मस्त बैठा हो आराम से बैठा हो आज क्या कर रहा होगा बेचारा वो यू नो बाकी के बना रहा होगा कि नए जो बच्चा है उसको पास होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर से फास्ट ट्रैक चला जा रहा हूँ वाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट मैं ये देखते बैठूँ कि वो क्या कर रहा है या मैं ये देखूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन किस में मेरे को सेटिस्फेक्शन जो बच्चों का गया है वो वापस यू नो ला करके खड़ा करना है मेरे को एक्स्ट्रा टाइम करना है बाकी मेरे को क्या तकलीफ है बे जो बच्चा खुश होगा वो ऐसे ही दस लोगों को बोल देगा मेरे को फिर एडवर्टीजमेंट का काम नहीं पड़ेगा

अभी सब कुछ टूट गया तो भी जोड़ने का हुनर रख अगर अभी सब कुछ टूट गया तो भी जोड़ने का हुनर रख जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा बस तू सब्र रख समझ में आई बात जो तेरा है वो तेरे को जरूर मिलेगा वो सब्र रख किसी को जल्दी मिल जाएगा किसी को लेट मिलेगा पर मिलेगा जरूर ये बात याद रख समझ में आई बात चलो लेट स्टार्ट वो बहुत तो मारेंगे यार कुछ लोग मेरे को पकड़ के उस चो। हमने अरे यार देखो बहुत लोग मारेंगे पकड़ के सच में छोड़ो आओ बेटा आई थिंक हम लोगों ने ग्रेचुटी खत्म कर दिया पेंशन खत्म कर दिया लीव रिट्रेंचमेंट खत्म कर दिया आई थिंक वी आर एस भी खत्म कर दिया अब हमारा सिर्फ एक रिटायरमेंट बेनिफिट बाकी है प्रोविडेंट फंड ठीक है अब प्रोविडेंट फंड में मल्टीपल चीजें हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर में क्या है बेटा मल्टीपल चीजें है लेटेस्ट फोकस सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है और क्रिएट क्यों किया जाता है पहले इसका कोर लॉजिक समझ ले तुझे समझ में आ जाएगा यस प्रोविडेंट फंड क्यों क्रिएट किया गया सीधी बात नो बकवास बिकॉज ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट ठीक है देर इज एन एक्ट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड एक्ट इस प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत इस प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत क्या होता है जरा समझिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक कॉमन फंड बनाते हैं जहां पे एम्प्लॉयर हैज टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट जहां पे एम्प्लॉयर हैज टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एम्प्लॉय विल आल्सो डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ पर्टिकुलर फंड ठीक है इन अ पर्टिकुलर फंड ये फंड किसके बेनिफिट के लिए है एम्प्लॉय अब प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है अंडरस्टैंड मोस्टली मोस्टली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय गेट्स पेंशन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय गेट्स प्रोविडेंट फंड आर यू गेटिंग द पॉइंट ये है प्रोविडेंट फंड का गेम तो प्रोविडेंट फंड के अंदर में प्राइवेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉय है मोस्टली सिर्फ नहीं बोल रहा हूं मैं मोस्टली दे गेट प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मिलकर के एक फंड में पैसा डालते हैं अब इस फंड के बारे में मैं कुछ बताता हूँ एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट राइट प्रोविडेंट फंड एक्ट पी एफ एक्ट कहता है कि ये जो फंड है ये गवर्नमेंट फंड भी हो सकता है मतलब गवर्नमेंट का बनाया एक फंड एम्प्लॉयर उसमें रजिस्टर करेगा अपने सारे एम्प्लॉय को रजिस्टर करवाएगा और दोनों जन उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अगर ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड फंड है हम इसे कहते हैं एस पी एफ दैट इज स्टैचुट्री प्रोविडेंट फंड बराबर है लेकिन प्रोविडेंट फंड एक्ट आपको एक पावर भी देता है कि आप ओन फंड क्रिएट कर लो मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है है क्योंकि होता क्या देखिए आप गवर्नमेंट बैंक के अंदर में पैसा डालेंगे एसबीआई थ्री परसेंट इंटरेस्ट यही आप कोटक के अंदर में डाल दीजिए यू गेट सिक्स परसेंट इंटरेस्ट बराबर है तो एम्प्लॉयर जो बहुत बड़े फंड लेकर के बैठा है इमेजिन अ कंपनी लाइक अडानी ग्रुप इतने एम्प्लॉय होंगे बहुत सारे जब एम्प्लॉय इतने सारे होंगे तो उनका अमाउंट और कंपनी का अमाउंट मिलकर के एक बहुत बड़ा फंड बन जाएगा तो इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इन गवर्नमेंट स्कीम वो जाते हैं और इस ओन फंड को अप्रूव कर लेते हैं अगर इस ओन फंड को उन्होंने अप्रूव कर लिया किससे अप्रूव करवाना होता है सीआईटी दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर उन्होंने इसे अप्रूव करा दिया हम इसे कहते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ बरे बरे। आपने फंड तो बनाया लेकिन ये अब तक अप्रूव नहीं करा तो इसको हम कहते हैं यू आर पी एफ इसको हम कहते हैं यू आर पी एफ दैट इज अनिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड तीनों के बीच का कैटेगरी समझ में आया राइट right? तो प्रोविडेंट फंड एक्ट बना प्रोविडेंट फंड एक्ट ने बोला या तो तुम गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगा दो या तो तुम अपने फंड बना लो गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगाया मतलब एसपीएफ ओन फंड बनाया मतलब अप्रूव करवाया तो आरपीएफ पी एफ करवाया तो यू आर पी एफ पहले जब ये एक्ट आया था ये सिर्फ एम्प्लॉई के लिए हुआ करता था पहले जब ये एक्ट आया था जब ये किसके लिए होता था एम्प्लॉई के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे इनको भी कोई इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म चाहिए था सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब किराना दुकान वाले भैया रिटायर तो कभी ना कभी ये भी होंगे फ्यूचर प्लानिंग तो सबको चाहिए तो इन्होंने बोला कि हमारे लिए भी सरकार ऐसी कोई स्कीम निकालो तब जाकर के एक नया कंसेप्ट बना पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड

एम्प्लॉयर जब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा तो इसका क्या एम्प्लॉय जब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या और जो फाइनल अमाउंट आ रहा है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या मतलब हमें कितने टैक्स ट्रीटमेंट सोचने हैं चार बराबर है सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीएफ की एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जब किसी एसपीएफ में पैसा डालता है इट इज फुल्ली एग्जाम एम्प्लॉय ओन कॉन्ट्रीब्यूशन भी डालेगा एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज एलिजिबल फॉर ए सी शिफ्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी याद होगा तो चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन 115 से बी से मिलते है? नहीं तो एटीसी का डिडक्शन अब तभी मिलेगा एम्प्लॉय को व्हेन ही शिफ्ट आउट ऑफ 115 एंड क्लियर है अब इसमें इंटरेस्ट आएगा एग्जाम जो इसका फाइनल अमाउंट होगा वो भी क्या होगा एग्जाम तो अगर आप देखेंगे टैक्स प्लानिंग के हिसाब से तो हर एम्प्लॉय ने एसपीएफ में ही जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा एग्जाम कैटेगरी है बराबर है एसपीएफ को कट कॉपी पेस्ट कीजिए पीपीएफ में डाल दीजिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हटा दे बिकॉज एम्प्लॉयर तो यहाँ पे होता ही नहीं ओन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका डिडक्शन मिलेगा सी इफ दे शिफ्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी इंटरेस्ट एग्जाम सेम है समझ में आई बात सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दो ये दोनों भी एग्जाम में नहीं पूछते अब आते हैं किसके ऊपर आरपीएफ सबसे ज्यादा बार पूछा जा सकता है पिछले दो प्रॉब्लम में तुम भी सॉल्व करके आ गए सबसे बार यही पूछा जाएगा प्रोविडेंट फंड ठीक है एग्जामिनर कभी इस बात पे नहीं खेलेगा कि ये फंड आरपीएफ है या यूआरपीएफ है इस पे कभी नहीं खेलेगा वो क्लियर कट लिख के दे देता आरपीएफ है कि ओवर ठीक अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ के अंदर किया तो इट इज सैलरी इट इज एग्जाम अप टू 12 परसेंट ऑफ सैलरी तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12 परसेंट ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल बराबर है मतलब अप टू 12 परसेंट क्या है एग्जाम याद कर बियॉन्ड 12 परसेंट तो रिसीव्ड इन इंडिया भी माना जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है क्योंकि 12 परसेंट तक के क्या है बेटा एग्जाम अब आप ये पूछेंगे सर सैलरी मतलब क्या बेसिक प्लस डी ए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्न ओवर एवरीबाडीस बेसिक प्लस डी ए एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसका भी डिडक्शन एटीसी में मिलेगा प्रोवाइडेड यू आर शिफ्ट ऑप्टऊट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी अब देखेंगे आप, आपका जो भी बुक होगा जो भी ऑर्थर होगा उस बुक का उन सब ने ये टेबल दे के रखा होगा ये एक ही टेबल है जो एक्ट से आ रहा है डायरेक्टली बस इसमें इस बार ये ऐड हो गए हैं ओन कॉन्ट्रीब्यूशन पे 115 एंड बाकी कुछ ऐड नहीं हुआ है यहां पे फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट इज एक्ट अप पॉइंट 9.5 इंटरेस्ट इज एक्ट अप टू 9.5 परसेंट येस ऑर नो यस फाइनल अमाउंट एग्जाम कंडीशन फाइनल अमाउंट जो है आर पी एफ की ठीक है, है, है तो चलो one three start, एफ पे फोकस करो कितना है 12 of salary. इस पे already हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके आ गए इंटरेस्ट कितना एग्जाम गलत नाइन पॉइंट फाइव पर एन एम ऑफ सैलरी है ही नहीं वहां पे वो इंटरेस्ट है वो तो गलती समझ में ही क्या करोगे तुम

मे बी अ फंड नॉट बाय दी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर्स्यूशन नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जिस साल आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को ऐसा कोई फंड है कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कहां से टैक्स करोगे तो नॉट टैक्सेबल जिस टाइम पे वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है क्योंकि पता ही नहीं है कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कैटेगरी भी ये बदल सकता है दूसरा कौन कंट्रीब्यूशन नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन पूछो क्यों पता ही नहीं है ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्स कहां से करोगे थर्ड जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं है जो इंटरेस्ट आ रहा है है वो भी उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं पूछो क्यों पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो टैक्स कहां से करोगे पर जो फाइनल अमाउंट है वो जरूर टैक्स हो जाएगी पूछो क्यों पता चल जाएगा अब आप पूछेंगे कैसे पता चला मन में सवाल उठना चाहिए कैसे पता चला देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के टीडीएस के कारण ये पता चलने लग गया नहीं तो कभी नहीं पता चलता था हर ट्रस्टी हर ट्रस्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो पेमेंट करता रहेगा प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट में तो उसके अगेंस्ट में उसको टीडीएस करना जरूरी है अब सुन सुनते हो सुनो ना टीडीएस के चक्कर में पता चल जाएगा मतलब सोच ये पैसा जो एंड में है यू आर पी एफ में इसमें नहीं लगता ते को चार चीजें होंगी इसमें कई सालों से अनटैक्स्ड हुआ हुआ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कई सालों से समझ आ रहा एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन होगा और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन बराबर है इतना ही होगा ना बराबर है इतना ही पैसा उसके अंदर में पड़ा होगा एंड में अब टीडीएस काटते वक्त इन चारों को कैटेगराइज किया जाएगा इन चारों को क्या किया जाएगा कैटेगराइज किया जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट आएगा ये टैक्सेबल हो जाएगा इन सैलरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा इन सैलरी बराबर एम्प्लॉय के ओन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल पूछो क्यों पूछो ना क्यों अरे लॉजिक है ना पूछो ना क्यों इधर देखिए ये मेरी बीवी ने कल सौ रुपये दिए थे आज सौ रुपये दिए थे और उस दिन के सौ बचे हैं, टोटल तीन सौ रुपये मुझे सौ रुपये पर डे मिलता है ठीक है सुनना ओके अब जरा ध्यान से सुनिए मैं एम्प्लॉई सौ रुपये इन्वेस्टेड इन अ फंड एम्प्लॉई ईयर टू सौ रुपये इन्वेस्टेड इन अ फंड एम्प्लॉई सौ रुपये इन्वेस्टेड इन अ फंड एक दिन मटकी फोड़ी तीन रुपये मिले हा इनकम इनकम मेरा ही पैसा मैंने ही डाला उसी को निकाला टैक्स लगेगा क्या है ना बराबर है ना कुछ नया निकला क्या डाल के नहीं अरे मेरा ही पैसा मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया वही वापस मिला किधर से टैक्स करेंगे ब्रो समझ में आया इसीलिए एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं दुख बस एक चीज का है डिडक्शन नहीं मिला नहीं तो जनरली ओन कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्या मिलता है Deduction. ये तो ही पैसा था मैंने इन्वेस्ट किया था मैंने किया आज वो का रिटर्न आ रहा है उसको कहां से टैक्स कर लोगे हाँ लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है ये तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है कि नहीं है ये होना चाहिए अफसोस टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस बनाओ नीचे चार्ट से आओ चलिए तो फाइनल अमाउंट जो भी मिलेगी सीधा वो टैक्सेबल होगी वो भी कहां पे यूआरपीएफ में ठीक है मालिक चलो जी हम्म अब हम सभी जानते हैं आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है अब मैं वापस आरपीएफ की डिस्कशन में आ गया हूं आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है ये एग्जाम है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अग्री आरपीएफ का फाइनल अमाउंट कब एग्जाम है ठीक है आरपीएफ का फाइनल अमाउंट तब एग्जाम है जब एम्प्लॉय को फाइव ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं अगर किसी भी एम्प्लॉय को फाइव ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं तो आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है वो एग्जाम है तो इफ एम्प्लॉय हैज सर्विस फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स, उसके बाद आपको अमाउंट मिले तो क्या होता है एग्जाम मान लो पांच साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन एग्जाम तो कौन से तीन रीजन पॉइंट नंबर वन उसकी तबियत खराब थी पांच साल कंप्लीट नहीं हो पाई वाई बिकॉज एम्प्लॉय की हेल्थ क्या हो गई खराब हो गई तो भी पांच साल से कम केस में आरपीएफ क्या हो जाएगा एग्जाम दूसरा तो भी आरपीएफ क्या हो जाएगा एग्जाम तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है मैंने जॉब चेंज की एक तो एम्प्लॉयर का धंधा बंद हो गया दूसरा एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है मैंने पांच साल से पहले जॉब चेंज कर दी अब अगर जॉब चेंज होती भी है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एम्प्लॉयर का जितना भी फंड था वो नए एम्प्लॉयर के नाम पे रजिस्टर करवाना है इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जहां पे आप सिर्फ एम्प्लॉयर का नाम चेंज करते हैं कैसे होता है सर हम करते हैं क्या नहीं मैं आपको बताता हूँ आप कुछ दिनों बाद ऑफिस में जाएंगे समझ तो लीजिए क्या करना होता है जैसे मान लीजिए अपना भूषण नहीं दर्शन दर्शन क्या करेगा लेट से विजय लिमिटेड के जगह डी लिमिटेड में गया बराबर है तो अब पांच साल अगर विजय के पास था तो, तो वैसे ही एग्जाम थे पांच साल बाद तू किधर भी कन्वर्ट कर कोई लेन देन नहीं ठीक है पांच साल से पहले अगर विजय से एक आई में कन्वर्ट हो जाता है डीके में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि नए एम्प्लॉयर के पास अपनी सारी डिटेल दे देखिए एक एम्प्लॉय जो होता है ना जब वो पी एफ एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड होता है उसको एक यूनिक कोड मिलता है ये यूनिक कोड वो जब तक एम्प्लॉय रहता है तब तक चलता है तो इसको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है नए एम्प्लॉयर के पास पी का एक फॉर्म आता है, है।, है। डीके एम्प्लॉयर में शिफ्ट कर दिया जाए ये प्रोसेस होती है तो इससे क्या होता है इसका प्रोविडेंट फंड कितने भी ऑफिसर्स ये बदल दे ये चलता रहता है बराबर है अब अगर तीन साल से पांच साल से पहले कभी भी चेंज हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस अकाउंट को कहा शिफ्ट करना डी के अकाउंट एम्प्लॉयर में शिफ्ट करना अगर इसने वैसे भी भी कर दिया एंड इन टोटल कंप्लीट हो तो भी हो गए तो आरपीएफ का फाइनल अमाउंट क्या जाएगा बेटा समझ में आई बात तो चलो वापस से सिचुएशन वन ये विजय के साथ पांच साल रह गया आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट है ये पूरा का पूरा एग्जाम ये विजय के पास पांच साल नहीं रह पाया तीन और रीजन की वजह से रीजन नंबर वन हेल्थ रीजन नंबर टू एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया रीजन नंबर थ्री जॉब चेंज जॉब चेंज के अंदर में इसने क्या करना चाहिए था शिफ्ट अगर शिफ्ट कर दिया पांच साल कंप्लीट हो गए पूरा का पूरा एग्जाम इज द एंटायर अमाउंट स्टैंडिंग बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन आरपीएफ हिज न्यू एम्प्लॉयर इफ यस तो क्या हो जाएगा एग्जाम अदरवाइज क्या हो जाएगा Taxable. समझ में आई सबकी बात राइट इफ एंटायर बैलेंस राइट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉज ट्रांसफर टूज एनपीएस गवर्नमेंट हो जाएगा एग्जाम जॉब करना ही नहीं है अगर इसको जॉब नहीं करना तो इसके इस अकाउंट को एनपीएस में शिफ्ट करना होता है एनपीएस वो भी अमाउंट एक्समशन की चालू रख सकता है इसके पास दो ऑप्शन है एक या तो एनपीएस में शिफ्ट कर तो कहा शिफ्ट करना है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट करना है न्यू पेंशन स्कीम में भी अगर शिफ्ट कर देता है तो ये फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी एग्जाम तो चार से पांच केसेज में अमाउंट एग्जाम होगी पहला केस इसने पांच साल कंप्लीट कर लिए दूसरा इलहेल्थ तीसरा

यू आर पी एफ पी पी एफ सबसे पहले एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन चलो फिल इन द ब्लैंक्स एम्प्लॉ कंट्रीब्यूशन तीसरा इंटरेस्ट चौथा फाइनल अमाउंट चलो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ तो लिया पहले आप फिल कर दो बाद में मैं देखूँगा क्या किया तुमने फिर दो हो गए इंटर चलो चलो इन द ब्लैंक्स समझ गया था ना तुमको क्या मैं इधर लिखू एग्जाम एग्जाम

फ ऑप्टेड आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी आई होप आपने ये बराबर लिखा होगा यू आर पी एफ नॉटैक्सीबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नो डिडक्शन नॉट टैक्सेबल ऑन रिसीप्ट फाइनल अमाउंट यहाँ कितने पैरामीटर होने चाहिए चार एम्प्लॉयर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयी कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉ कंट्रीब्यूट ये दोनों टैक्सेबल इन सैलरी हो जाएंगे ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा ये टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस हो जाएगा एक्मट अप टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी याद है क्या यहां पर सेम एग्जमट अप टू नाइन पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम एक्समट इफ कंडीशन सेटिस्फाइड तो जो, जो बच्चा बेचारा मंदिर में बैठा होगा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक यहीं बैठूंगा बराबर की नहीं वो बेचारे को तो हालत खराब हो गई होगी एग्जाम कंडीशन सेटिस्फाइड ठीक है कंडीशन फॉर एग्जाम्शन Point number one has completed below five years. Has completed five years of service. If not completed five years, following has happened. Ill health of employee closure of employer business Third. shifted account with new employer deposited in NPS account. फिर ऐसे नहीं नहीं बोल तो भी 60 सा से 70 मैसेज आ चुके होंगे मेरे को इंस्टाग्राम पे सर रिजल्ट कब आने वाला है अब बोलो ना इंस्टीट्यूट को मेरी सुन रही क्या <laughs> मेरी सुन रही क्या <laughs> मेरे सुने तो मैं खुद का सिलेबस कम करवा लू जितो <laughs> का दूसरा सौ मार्क का मेरा पचास को दे रखा है <laughs> बराबर एक ही नहीं है ये बात दू दूसरों का जितना सौ उतना मेरे को पचास को दे रखा है तो ना एक बात को कभी किया क्या? ग्रुप वन में सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट को, सब्जेक को, मतलब को मिला रहता है सबसे ज्यादा टैक्सेशन को मिला होता है जब तक बेचारा ग्रुप वन अकाउंट्स कंप्लीट करता है तब तक के उसका डीटी चलता ही रहता है जीएसटी चलता ही रहता है और जब तक वो वहां पहुंचता तब जीएसटी के एंड पे डी टी भूल चुका होता है बराबर है ना चलो इज हो गया पहला पार्ट अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर जरा ध्यान से सुनिएगा बराबर एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन Taxable as perquisite. Excess contribution is taxable as perquisite. If employer contribute in RPF. NPS superannuation fund. Anyone, what is the limit? In excess of rupees 7 lakh fifty thousand, including interest thereon. Everybody. Such excess. इज टैक्सेबल एज पर क्विजिट मान लो एम्प्लॉयर ने आर पी एफ एन पी एस सुपर एन्युएशन के अंदर में थ्री लाख थ्री लाख थ्री लाख इन्वेस्ट किए हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे थ्री लाख थ्री लाख थ्री लाख टोटल कितना हो गया नाइन लाख नाइन माइनस सेवन पॉइंट फाइव लाख 1.5 लाख क्या माना जाएगा पर सॉरी माफ करा जनरली सुपर एन्युएशन फंड की लिमिट इंडिविजुअली कितनी है 1.5 लाख आगे बढ़ते हैं वो तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे आर पी एफ एन पी एस और सुपर एन्युएशन में साढ़े सात लाख रुपए के ऊपर इन्वेस्ट करता है इन अ पर्टिकुलर ईयर इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट कंपोनेंट जरा इस पर हाईलाइट करिए इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट तो जितना एक्सेस है उतना टैक्सेबल हो जाएगा परक्विजिट बोल के बराबर है इसे परक्विजिट माना जाएगा और इतना एक्सेस टैक्सेबल होगा अब ऐसा क्यों किया जा रहा था पूछो भाई ऐसा क्यों किया जा रहा था लोग इतने समझदार थे ये अपने एम्प्लॉयर को बोलते थे तू भर भर के पैसा आर पी एफ मैडल एनपीएसरुए मैडल इसका बड़ा रीजन ये था कि इनकी फाइनल अमाउंट टोटली क्या हो जाती थी एग्जाम समझ में आ रही बात तो लोग जान मुझ करके भर भर के इसमें पैसा डलवाते थे बोलते थे तू बिंदास डाल साढ़े सात लाख अब गवर्नमेंट यू you नो know, गवर्नमेंट ये देख रही थी कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा ही नहीं आ रहा पैसा पूरा का पूरा गवर्नमेंट परेशान हो गई भैया प्राइवेट सेक्टर को पैसा आएगा तब तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा ना तो बोला भैया साढ़े सात के ऊपर डाला तो हम टैक्स कर देंगे तब जाकर वहां के लिमिट की जगह दूसरी जगह पैसा आया ऐसे ही स्टॉक मार्केट अचानक से ग्रो नहीं हो गया क्योंकि फिर लोगों को पैसा जो था वो कहीं तो इन्वेस्ट करना था तब जाके लोगों ने स्टॉक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चालू किया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू किया नहीं तो लोग भर भर के इन तीनों के अंदर में ही पैसा डाल देते थे क्योंकि फाइनल अमाउंट एग्जाम था अब लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया इक्विटी मार्केट में पैसा कमाया यू नो लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज में पैसा कमाया तब जा करके आज एफ इंडिया में आए डी इंडिया में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता मार्केट इक्कीस के ऊपर है क्यों क्योंकि लोकल इन्वेस्टर हमारा बहुत बड़ा आ गया तो हमारे लोकल इन्वेस्टर का पैसा इतना बड़ा आ गया कि अब एफ आई नहीं तो पहले क्या होता था एफ आई मार्केट को धूम से ऊपर लेके गया पंप एंड डम खेलता था पंप कर्म का मतलब होता है बहुत इंक्रीज करता था और एक साथ डिप कर देता था आज वो नहीं हो रहा ऐसा नहीं है हो ही नहीं रहा हो रहा है पर उस लेवल पे नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है यू नो जो सैलरीड एम्प्लॉयड है इनका बहुत बड़ा पैसा रिटेल मार्केट में लगा हुआ है

इंटरेस्ट जो है वो तो कंपाउंडिंग पे हो रहा है ना समझ आ रहा है प्योर इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल है ये भी तो समझना पड़ेगा जो इस साल का है क्योंकि देख हो क्या रहा था जो इंटरेस्ट आएगा ईयर वन ईयर वन के अंदर में तुमने क्या किए कंट्रीब्यूशन किए ईयर वन के अंदर में तुमने क्या किए कॉन्ट्रीब्यूशन किए ईयर टू में तो इसके पूरे फंड पे आएगा ईयर थ्री में फिर पूरे फंड पे आएगा इंटरेस्ट दो बार टैक्सेबल हो जाएगा ना तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट निकालना जरूरी हो गया यस yes. तो इसके लिए एक और फॉर्मूला लाया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन्युअल एक्रीशन अब हम किस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ये ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे Anyone who knows the formula? Taxable perquisite is equal to PC upon 2 into R plus PC1 TP1 into R. Sir, what is the procedure to change this course? <laughs> यार तुम्हारे बीकॉम में भी तो सैलरी है ना <laughs> वहां ये सब नहीं आता क्या कि वहां पे बेसिक और डीए पे खत्म हो जाता चलो सुनो व्हाट इज टीपी टीपी का मतलब है टैक्सेबल पर्क व्हाट इज पी सी करंट ईयर एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन आर इज इक्वल टू आय अपॉन एफ एवरेजिंग आये इंटरेस्ट ऑफ करंटर एफ एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड Divided by two. Opening of the fund, closing of the fund, divided by two. अच्छा वॉट इज पी सी वन अर्लियर ईयर्स एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन टीपी वन अर्लियर्स ईयर एक्सेबल परक्विजिट अर्लियर ईयर्स taxable परक्विजिट बराबर है चलो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है आपका मॉड्यूल के अंदर में ये प्रॉब्लम लेना चाहिए हमने अच्छा प्रॉब्लम है समझते हैं प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं जस्ट गिव मी मोमेंट राइट डाउन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप प्लीज लिखिए आई गेस ये क्वेश्चन में भी होना चाहिए ट्वेंटी वन नंबर राइट लगा ही था मैंने क्योंकि डाला होगा और था चलो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन Question 3. The question number 3 of your questionnaire. Question number 3 of your questionnaire. सर क्वेश्चन नंबर थ्री जो है मैं यहां पे भी उसको थोड़ा सा लिख देता हूं बेसिक सैलरी सिक्स लाख पर मंथ एट परसेंट ही कंट्रीब्यूट टेन परसेंट ऑफ a plus da to rpf and company contribute same amount accumulated balance in rpf as on one 2022 31st march 2023 31st march 2024 is nine eight one one three seven two seven four three zero four eight four six four eight triple five कंप्यूट द परक्विजिट फॉर 23, 24 and 24, एंड assessment years. ट्वेंटी फाइव असेसमेंट ईयर्स बड़े बड़े अब इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे हम दो साल का चेक कर रहे हैं तो दो साल के अंदर में ये बहुत अच्छे से हो जाएगा ही ज्वाइंट द कंपनी ऑन वन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी ज्वाइन द कंपनी ऑन वन नाइन चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 ट्वेंटी दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 का कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है यहाँ हमारी सैलरी क्या रही होगी यहाँ हमारी सैलरी क्या रही होगी सैलरी आपकी रही होगी सिक्स लैख इंटू ट्वेल्व डैट्स सेवेंटी टू लैख और इसमें आपका डी ए रहा होगा फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो आपका टोटल सैलरी बना होगा सेवेंटी सेवन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एवरी ठीक है अब सोचिए एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा टू आर पी एफ टेन परसेंट ऑफ बेसिक प्लस डी एज्यूमिंग डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट सेवन लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बराबर है इसमें से कितना एग्जम्प्ट है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो गया ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड क्या मैं इसे पीसी कह सकता हूँ क्या मैं इसे पीसी कह सकता हूँ बराबर मुझे इस साल का पीसी तो मिल गया दूसरा अब मैं ये कैसे निकालू ध्यान से सुनिए अब मैं को क्या निकालना पड़ेगा पीसी अपॉन ट्विन टू आर आर निकालना है मतलब इंटरेस्ट चाहिए आर निकालना है मतलब आई अपॉन एफ एवरेज चाहिए बराबर है ना आई अपॉन एफ एवरेज चाहिए आए मतलब क्या हो गया बेटा इंटरेस्ट बराबर है अब इंटरेस्ट जो है ये मिसिंग है जरा चेक करो इंटरेस्ट इज मिसिंग बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन जरा ध्यान से सुन इंटरेस्ट जो है करंट ईयर का ये मिसिंग है बराबर है कि नहीं है इंटरेस्ट करंट ईयर का ये मिसिंग है पर तू सोच के देख इस साल का क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है इकतीस तीन दो हजार तेईस का क्लोजिंग अवेलेबल है वो है टू सेवन फोर थ्री जीरो क्लोजिंग बैलेंस तू सोच के देख जितना भी फंड बना होगा एक बाईस तेईस में मतलब एम्प्लॉयर का आया होगा एम्प्लॉय का आया होगा इंटरेस्ट आया होगा तो क्लोजिंग बना होगा अब मेरे पास क्लोजिंग अवेलेबल है इसमें से डोंट यू थिंक मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दू वट वॉज ओपनिंग बैलेंस एक चार दो हजार बाईस का देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है नाइन एट वन वन थ्री सेवन ओपनिंग मैंने हटा दिया करंट ईयर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दू मैं सेवन सेवेंटी सिक्स ट्रिपल जीरो और इतना ही करंट ईयर में एम्प्लॉय ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आपका जो बैलेंस है ये क्या बन रहा होगा जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो इज इट टू जीरो सिक्स सेवन वन वन से टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर एट माइनस अच्छा ये नीचे बोल रहे हो तुम हां ये ट्रिपल सेवन होना चाहिए चेक कर लो इज इट टू जीरो सिक्स सेवन वन वन यही मेरा आय दिख रहा होगा क्या मैं इसे आय कह सकता हूं यस yes. अब मेरा एफ एवरेज लगता है एफ एवरेज मतलब ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय टू कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय टू एफ एवरेज आ रहा है वन एट सिक्स टू जीरो नाइन थ्री डैट इज नाइन एट डबल वन थ्री सेवन प्लस टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर एट डिवाइडेड बाय टू ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है मेरे पास yes. मैं स्पीड तो नहीं जा रहा

का टेन परसेंट मतलब होगा पर्क, पर्क तो, हो हो तो मेरे को इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए क्या निकालना था पीसी अपॉन टू इन टू आर प्लस टीपी वन पीसी वन इंटू आर तो पहले करंट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया अब मेरे को क्या चाहिए था आर आर मतलब क्या आई अपॉन एफ एवरेज अब आई तो कहीं प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है पर ओपनिंग ऑफ द फंड और क्लोजिंग ऑफ द फंड प्रॉब्लम में दिया है तो मैंने क्या किया क्लोजिंग से स्टार्ट किया पहले ओपनिंग हटा दिया साल भर में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन आए होंगे वो भी हटा दिया तो मेरे को आई मिल गया दैट इज इंटरेस्ट फिर मेरे को एफ एवरेज निकालना था एफ एवरेज मतलब ओपनिंग ऑफ द फंड क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाई टू अब एक चार दो हजार बाईस का ओपनिंग भी है इकतीस तीन दो हजार तेईस का क्लोजिंग भी है डिवाइडेड बाय टू ये मेरा एफ एवरेज निकल गया yes no? TP1, ये पीसी वन एंड टीपी वन ये नील होंगे पूछो क्यू सिंस इसने ज्वाइन ही एक नौ दो हजार इक्कीस को किया होगा द कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉट एक्सीड सेवन पॉइंट फाइव लैख चेक कर हेंस नो पीसी हजार इक्कीस को ज्वाइन किया मतलब सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च सैलरी सात महीने की आई होगी सात महीने की सैलरी के हिसाब से छह लाख इंटू सात चार लाख बीस हजार कैलकुलेटर पे कर लो प्लस 10 परसेंट बी का टोटल कितना हो रहा है फोर्टी लाख ट्वेंटी अरे एवरीबॉडी इसका 10 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ही कितना रहा होगा चार लाख विच डज नॉट एक्सीड 7.5 तो ना पीसी वन रहा होगा ना टीपी वन रहा होगा एवरीबॉडी वापस वो बोलू एक बार एक बार वापस से बोलू व्हेन ही पहले ये समझो हम कौन से ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए कैलकुलेट कर रहे समझ में आया पहले के लिए कैलकुलेट कर रहे अब उसने अगर ही एक नौ से किया होगा मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च दो हजार बाईस बराबर कितने महीने काम किया सात अब चेक करो छाख इंटू सेवन फोर्टी टू लैख प्लस डी ए कितना परसेंट था टेन परसेंट टोटल सैलरी कितनी आई होगी फोर्टी सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड एम्प्लॉयर ने इसका दस परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा फोर लैख सिक्सटी टू थाउजेंड जब सेवन पॉइंट फाइव के ऊपर जा ही नहीं रहा तो क्या वो परक्विजिट बोल के टैक्स हुआ होगा नहीं मतलब पी सी वन जीरो हो गया और जब परक्विजिट ही साठ पचास के ऊपर नहीं जा रहा तो इंटरेस्ट कैसे जा सकता है तो टीपी वन भी क्या हो गया जीरो समझ में आया ओहो तो बताओ

टू जीरो सिक्स सेवन वन वन डिवाइडेड बाय एटीन सिक्सटी टू जीरो नाइनटी थ्री जीरो पॉइंट वन 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 समथिंग इनटू जीरो पॉइंट वन 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 प्लस नील बोल दू इसको पीसीटीपी जीरो ये एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल आल्सो बी जीरो तो आर भी जीरो ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू इन टू पॉइंट ट्रिपल वन वन फाइव थ्री वन और टू टू विबल इट बींग इंटरेस्ट हाँ या ना एवरीबॉडी स और नो तो देखो साढ़े सात लाख रुपए के ऊपर जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है ये छब्बीस सात सौ तो टैक्स होगा ही होगा इज एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम फैमिली कंटिन्यूअसली मी चेक लेट मी just give me a minute there is something uh, i have to make a payment to hospital just give me one minute yes चलो देखो सबसे पहले हमने 22 23 का हम कंसेप्ट निकाला 22 23 फिर एक बार बता रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना उस व्यक्ति ने एक नौ दो हजार इक्कीस को ज्वाइन किया पहले के साल के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है साढ़े सात के ऊपर जा ही नहीं रहे मतलब पीसी वन टीपी वन जीरो हो गया करंट ईयर में अब उसने पूरा साल वर्क किया है एक चार दो हजार बाईस से इकतीस तीन दो हजार तेवीस ध्यान से सुनो कोई बहुत हार्ड नहीं है लेंदी है इसमें कोई डाउट नहीं है हार्ड नहीं है प्लीज सुनना अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है लेकिन करंट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है बात समझना तो हमने सबसे पहले निकाला 22 23 में टोटल क्या आ रहा है 22 23 का उसका टोटल सैलरी आ रहा है 77, 76 77 लाख 76000 इसका 10% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया लॉ पढ़ते हैं फिर से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे 10% Uh, साढ़े सात लाख रुपए के ऊपर का कंट्रीब्यूशन तो है वो हो जाएगा। लेकिन ये साढ़े सात जब हम गिनते हैं इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी गिनते हैं तो अभी तक इंटरेस्ट हमने निकाला नहीं कितना टैक्सेबल होगा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन तो टैक्स कर दिया इंटरेस्ट कंपोनेंट भी टैक्स करना पड़ेगा ना करंट ईयर में

तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ कितना वर्क करने वाला है पीसी अपॉन टू इन आर बाकी सब तो नीली हो जाएगा अब पीसी मतलब करंट ईयर का साढ़े सात के ऊपर का कंट्रीब्यूशन करंट ईयर का साढ़े सात के ऊपर का कंट्रीब्यूशन कितना है ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड पी निकल गया हमारा अब आर निकालना था आर मतलब क्या आई अपॉन एफ एवरेज इंटरेस्ट दिया हुआ ही नहीं है प्रॉब्लम में पर ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया और करंट ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशन दिए तो क्लोजिंग में से अगर मैं ओपनिंग हटा दूँ इस साल जितना कॉन्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयर ने किया और एम्प्लॉय ने किया वो हटा दूँ तो जो बैलेंस बचेगा वो इंटरेस्ट ही होगा और तो कुछ आ नहीं रहा है तो मैंने क्लोजिंग पकड़ा क्लोजिंग पकड़ा इकतीस तीन दो हजार तेईस की इसमें से मैंने ओपनिंग माइनस किया है एक चार दो हजार बाईस का और जो करंट ईयर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा बींग टेन परसेंट ऑफ पे प्लस डी ए वो भी हटा दिया तो मुझे क्या मिल गया आय अब चाहिए था एफ एवरेज ये देखो ये क्या मिला मेरे को आय अब क्या चाहिए था एफ एवरेज एफ एवरेज मतलब ओपनिंग ऑफ द फंड क्लोजिंग ऑफ द फंड मेरे को मिल गया एफ एवरेज अब मेरे को क्या चाहिए आर आर मतलब आय अपॉन एफ एवरेज ये सो नो ये निकला मेरा आय ये निकला मेरा एफ एवरेज तो मेरा आर हो गया पॉइंट ट्रिपल वन तो नीचे आओ देखो टीसी मतलब ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्लस क्यों क्योंकि उसके पहले ईयर के कंट्रीब्यूशन क्या रहे होंगे जीरो बिकॉज सैलरी ही साढ़े सात के ऊपर नहीं जा रही थी कॉन्ट्रीब्यूशन साढ़े सात के ऊपर नहीं जा रहा था अब मैं आगे के साल में बढ़ता हूँ प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर दैट इज असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी बराबर ओके okay. ट्राई करोगे ट्राई करो एक बार चलो ठीक है अब सुनो 22, तेईस की सबसे पहले सैलरी निकालनी पड़ेगी ये कंसेप्ट ही तब चालू होगा जब एम्प्लॉयर साढ़े सात के ऊपर दे दे पहले ये तो देख ले साढ़े सात के ऊपर दिया है कि नहीं मतलब सबसे पहले एम्प्लॉय ने क्या कमाया होगा सैलरी सिक्स लैख इन टू ट्वेल्व मतलब ये आया होगा सेवेंटी टू लैख डू यू अग्री फिर डी होगा कितना परसेंट चेक करो डीए प्रॉब्लम में दिया है कितना परसेंट टेन परसेंट हाँ इज एट परसेंट आई स्टैंड करेक्टेड ई एज एट परसेंट एट परसेंट डी ए कितना रहा है सेवेंटी टू लैक इंटू एट परसेंट फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ओ माई गॉड ये वापस सेम आ गया ये हुई होगी उसकी टोटल सैलरी अब एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना रहा टेन परसेंट ऑफ बेसिक प्लस डी एवरीबॉडी. इसका टेन परसेंट मतलब वापस वही आ गया बराबर है इसमें से कहां तक का एग्जामिशन है तो इस साल का पीसी दैट इज एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज इट ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड हर साल वही तो चल रहा है बराबर ये तो इस साल का पीसी हुआ हमें सत्ताईस छह सौ क्या टैक्सेबल होंगे क्या यस yes. लेकिन साढ़े सात के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए प्लीज फार्मूला बोलो पी सी अपॉन टू इंटू आर प्लस पी सी वन टी पी वन इंटू आर बराबर है अब पी सी तो मेरा निकल गया क्या निकालना है आर आर निकालना है मतलब आई अपॉन एफ एवरेज करना पड़ेगा मेरा प्यारा बच्चा इंटरेस्ट दिया है या अगेन मिसिंग है इंटरेस्ट इज मिसिंग कैसे निकालोगे सबसे पहले अगेन रिवर्स कैलकुलेशन कर दो क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है इकतीस दो हजार चौबीस का है? फोर एट ट्रिपल क्लोजिंग है ये तो। तुमको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए इसमें से क्या हटाओगे इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दो इकतीस तीन दो हजार चौबीस का भाई देख सुन क्या कर रहे हैं हम ये पानी का बॉटल है बात समझ इसमें कल का कुछ पानी पड़ा है आज कुछ और कंट्रीब्यूट किया है बचावा इंटरेस्ट ही होगा ना हमने पहले क्लोजिंग समझ लिया इसमें से ओपनिंग हटा दिया और करंट ईयर के दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दिया तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट ही दिख रहा होगा तो मैंने क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाना है ओपनिंग कितना था अब टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर एट फिर इस साल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा सेवन सेवेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड सिमिलर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने भी दिया होगा तो जो बैलेंस बचा ये क्या शो हो रहा होगा इंटरेस्ट दैट इज आई फोर सिक्स फोर एट ट्रिपल फाइव माइनस टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर एट माइनस ट्रिपल सेवन सिक्स हंड्रेड ट्रिपल सेवन सिक्स हंड्रेड कितना आ रहा है भाई साहब थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री जीरो सेवन ये आपका इंटरेस्ट आ गया क्या, क्या भाई वो ही है ये आपका इंटरेस्ट आ गया अब आए तो मिल गया एफ एवरेज निकाल सकते हो क्या एफ एवरेज मतलब ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय टू टू सेवन फोर थ्री जीरो फोर एट प्लस फोर सिक्स फोर एट ट्रिपल फाइव डिवाइडेड बाय टू थ्री सिक्स नाइन फाइव एट जीरो टू कर दूँ वो वन पॉइंट फाइव समथिंग आ रहा है अब एफ एवरेज भी मिल गया आई भी मिल गया एफ एवरेज भी मिल गया तो क्या था भाई साहब आई मतलब थ्री फाइव जीरो थ्री जीरो सेवन एफ एवरेज था थ्री सिक्स नाइन फाइव एट जीरो टू 0.09479 फोर सेवन नाइन जीरो पॉइंट जीरो नाइन फोर सेवन नाइन कर दिया चार डिजिट तक लेके गया मैं आगे सुनो ना पीसी मिल गया क्या अपॉन टू इंटू आर भी मिल गया क्या पीसी वन है क्या हाँ पिछले साल का एक्सिस कंट्रीब्यूशन ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड टीपी वन भी है क्या हाँ पिछले साल का वन फाइव थ्री टू और आर तो मिली गया ना तो टैक्सेबल पर मतलब ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड अपॉन टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन फोर सेवन नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड वन फाइव थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन फोर सेवन नाइन थोड़ा सा मतलब बहुत हिचपिच पिच दिख रहा है कम कर दीजिए ये कुछ वन थ्री जीरो एट आया ये कुछ टू सेवन सिक्स वन आया या आया फोर जीरो सिक्स नाइन तो इस साल ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड टैक्स होगा क्या यस प्लस ये इंटरेस्ट भी टैक्स होगा क्या तो जब सैलरी निकालोगे ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड भी पर में ऐड करना फोर जीरो सिक्स नाइन भी सैलरी में ऐड करना अब समझा पक्का समझा आधी घंटे समझाया तो समझ में आया क्या आया बराबर है मैं एक बात बोलूं अगले साल इफ एवरीथिंग रिमेन सेम निकाल पाओगे? अगले साल इफ एवरीथिंग रिमेन सेम निकाल पाओगे आराम से बस आपको एक ही फिगर चाहिए अगले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्लोजिंग मिला कि तुम वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करके आराम से निकाल पाओगे समझ में आया बस इतना ही गेम था ये तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन साढ़े सात के ऊपर क्या होगा साढ़े सात के ऊपर के इंटरेस्ट का क्या होगा सबको समझ में आया हा इसमें बहुत टाइम लगता है सर खत्म हो गया नहीं नहीं, अभी आरपीएफ खत्म नहीं हुआ बस एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है अभी खत्म नहीं हुआ एक लास्ट कंसेप्ट और सैलरी खत्म पक्की बात तुम्हारी एक्स की कसम <laughs> अभी कुछ लोग यहां पे होशियारी मान रहे सर ही नहीं है सर सर <laughs> बहुत दिखमी हरकतें चल रही है सर मा कदम से चौदह फरवरी तीन साल से अकेला मना रहा हूं ऐसा होगा ना तुम्हारे साथ अखंड सिंगल लोग हो ना तुम अखंड देखो दो कैटेगरी होती है क्या होता है सिंगल एक होता है अखंड सिंगल अखंड सिंगल वो होता है जिसपे परछाई भी नहीं पड़ी <laughs> समझ आ रहा है बरे, बरे? आत्मनिर्भर भारत वाले लोग मानना पड़ेगा बराबर है मतलब तुम जैसे लोगों के लिए आज तक के सिलेबस में सिंगल एंट्री रखा है नहीं तो कब का सिलेबस से आउट था बराबर है ना आ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बार धोखा खा चुके हैं यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो बहुत बार धोखा खा चुके हैं कुछ लोग ऐसे जिनका सब सही चल रहा है थोड़ा झगड़ा कर लेते बीच में बहुत ज्यादा सही चल रहा है तो फिर वापस सब लाइन पे जाता करोर है कि नहीं चलो जो भी कुछ है अच्छा है हाँ सब अच्छा है क्या सर इसमें गलत है कुछ कुछ भी गलत नहीं है मैं नहीं किया कहाँ से तुमको गलत बोलूंगा <laughs> गलत कुछ भी नहीं है सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो गोल्स है ये साथ में कंप्लीट होने चाहिए यू शुड रिस्पेक्ट म्यूचुअली उसके गोल और तुम्हारे गोल बाकी तो ठीक है ना यार बाकी तो सब ठीक ही है कमाओगे उड़ाने के लिए तो कोई चाहिए कमाओगे तो तुम सही उड़ाने के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए चलो ज्ञान की बात खत्म हुई लेट्स टॉक अगेन अब सुनो यहां पे इनको ऐसा नहीं लगा कि भैया तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ दे दे बस खत्म कर दे नहीं एक और चीज लाई क्या लाई चीज अब देखो एम्प्लॉयर के लिए लिमिट कितनी लगाई सेवन पॉइंट फाइव अब कहा गेम हुआ देखो ना जहां एम्प्लॉयर का साढ़े सात के ऊपर गया उसको टैक्स कर देंगे बोला उसके ऊपर के इंटरेस्ट को भी टैक्स कर देंगे बोला एम्प्लॉय गया भक्ते भगते किसके पास एम्प्लॉयर के पास ए, ए, सुन सुन तू साढ़े सात के ऊपर मत डाल मेरे को दे मैं डालेगा समझ में आया मतलब अब इसने गेम चालू कर दिया ये बोले तू मेरे को दे मैं डालेगा अब एम्प्लॉज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इसके ऊपर लिमिट लगाई नहीं तू भी इधर रुक तू भी नहीं डालने का मैंने ऐसा कुछ सच में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला अच्छा जो भी कुछ है तुम समझ गए ना आगे बढ़ो अरे नहीं बोला इस बार तो जेन्यनली नहीं बोला इसके पहले बोला है <laughs> अभी मेरे को भी याद नहीं शायद कुछ निकल गया हो तो अलग बात है सुनना अभी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन साढ़े सात के ऊपर गया हम टैक्स कर देंगे अब एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी लिमिट लगाना जरूरी था बोलो हाँ नहीं तो एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करते बैठता सरकार ने बोला बेटा एम्प्लॉय हम तेरे लिए भी एक लिमिट लगा रहे हैं बराबर है बरे बरे, हम तेरे लिए भी क्या कर रहे हैं एक लिमिट लगा रहे हैं अब ये लिमिट कहां से आई जरा समझिएगा बराबर है एक चार दो हजार इक्कीस के बाद एम्प्लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एक चार दो हजार इक्कीस के बाद एक्सीड करता है 2.5 लाख से एक्सीड करता है कितने से 2.5 पॉइंट फाइव एक चार दो हजार इक्कीस के पहले उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया त्याचाशी आप लोग का ही घेंदेन नहीं एक चार दो हजार इक्कीस के बाद किसी भी साल में एम्प्लॉ ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन एक्सेस ऑफ टू पॉइंट फाइव लैख तो जितना एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल कर देंगे वापस बोलो वापस बोलो है ना हाँ अब क्या होता था एम्प्लॉयर के लिए तो साढ़े सात की लिमिट लगाई तो पूरे चांसेस थे एम्प्लॉय गफलत करेगा एम्प्लॉय के लिए भी लिमिट लगा दी एक चार दो हजार इक्कीस के बाद एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉ का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी आर पी एफ अगर टू पॉइंट फाइव से ऊपर गया तो जितना एक्सेस गया उसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे तुमको कुछ नहीं समझा सुनो विजय इज एन एम्प्लॉय विजय ने 23, 24 में तीन लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए टू आरपीएफ हर साल की लिमिट कितनी है विजय को भी कितने ही डालना है ढाई विजय ने ज्यादा डाला क्योंकि विजय को पता है कि भैया फाइनल अमाउंट क्या होने वाली है एग्जाम मैं शेयर्स में पैसा डालू कैपिटल गेन पे टैक्स भरू उससे बेटर तो ये है यहाँ पे इंटरेस्ट भी आता रहेगा और फाइनल अमाउंट एग्जाम है तो मैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन करने वाला था अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है फिफ्टी थाउजेंड सपोज इंटरेस्ट रेट इज सिक्स तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट रुपीज थ्री थाउजेंड क्या हो जाएगा टैक्सेबल तो ढाई लाख के ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट टैक्सेबल कर देंगे समझ में आई बात इससे क्या फायदा होगा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा ढाई लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट मत कर दूसरे सेक्टर में पैसा लगा आर में मत लगा मतलब सरकार इन टैक्सेशन सिस्टम को ला एक ही चीज़ इंश्योर करना चाह रही है यू जस्ट डोंट कॉन्ट्रीब्यूट योर होल मनी इन टू जस्ट वन फंड इन ऑर्डर टू रन एन इकोनॉमी इट्स बेटर दैट योर फंड इज इन्वेस्टेड इन टू वेरियस सेक्टर्स तो तू एल में पैसा लगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा प्रॉपर्टी में पैसा लगा गोल्ड में पैसा लगा यू नो वर्चुअल करेंसी में पैसा लगा Don't just keep all your money in RPF. So, with an order to ensure that all such salaried employed money do not get invested into RPF, a provision has been brought in where there has kept a limit on the employer's contribution as well as there is a limit for the employee contribution so that.

बात समझना मेरा ठीक है इकोनॉमी को अगर हर तरफ के सेगमेंट क्योंकि देख एक ही सेगमेंट में पैसा लगा तो पॉइंट गलत हो जाएगा बराबर है कि नहीं मेरा बात समझना आप उल्टा सोचो <laughs> अगर हर सेगमेंट में पैसा लगाना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक जगह रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी बराबर एक रोड को बंद करना पड़ेगा जब एक रोड को बंद करेंगे तो दूसरे रोड ओपन होंगे ना आइडियलिस्टिकली यही सिचुएशन होना चाहिए कि नहीं <laughs> बराबर है ना अरे हाँ करेक्ट uh -huh. ना तो इसी के लिए क्या किया एम्प्लॉयर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया एम्प्लॉय पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सो दैट मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन अदर सेक्टर आई यू गेटिंग माई पॉइंट यस ओके सो <laughs> माँ मैं बता रहा हूं मेरे को बहुत लोग ऊपर so, अगर रहे का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन चलेगा तो जितना 2.5 के ऊपर जा रहा उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे टैक्स नाउ देर इज एन एम्बिग्यूटी इन द प्रोविजन पूछो क्या ये टैक्स तो करेंगे पर किधर Have to tell. IFOS में होना ये वो ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहेंगे जिसमें उनको फ्री में मार्क्स अलॉट करने पड़े बिकॉज देर इज नो क्लैरिटी तो फिर उनको फ्री मार्क्स अलॉट करने पड़ते हैं वो कभी इस तरह से गेम खेलते ही नहीं समझ में आया बात अच्छा जनरल लिमिट इज 2.5। पॉइंट फाइव अरे अभी एक और बाकी है इसमें रुको रे इतने जल्दी थक गए यार तू। सर हम सुबह 11 बजे से बैठे <laughs> अब तो मतलब दर्द हो रहा है सर <laughs> रुको रे रुको रुको, रुको थोड़ा और थोड़ा सा और कोई तकलीफ नहीं एक दो घंटे और में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुन अरे <laughs> मतलब क्या फर्क पड़ता है बताओ रे तुम कहीं जाने वाले हो फिर तो बैठे हैं ना सुनना जनरल लिमिट 2.5 लेकिन अगर कोई एक ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं इफ देर इज नो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो इस 2.5 के जगह लिमिट कितनी है 5 लाख अब ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं ये तो सिर्फ एक ही हो सकता है पीपीएफ जनरली एक ही फंड हो सकता है पीपीएफ तो उसमें लिमिट कितनी रखी गई है बोलो पांच लाख यस और नो चलो जी लिखो लास्ट पॉइंट कंसेप्ट ओवर फिर चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आना Limit on employees contribution with effect from one 20 2021 if employee contribution to provident fund exceed 2.5 lakh per annum. Interest on such excess contribution shall be taxable. Do you get my point? If employee contribute in a fund where there is no employer contribution and own contribution of employee exceed five lakh interest on such excess contribution is taxable हारना नहीं है ब्रेक के साथ फिर चालू करेंगे ये जो यस था ना तुम्हारा बहुत <laughs> जोर <जोड़> से आया <laughs> अगर सच में दम नहीं है तो नहीं लेंगे कोई बात नहीं पर अगर कर सकते हैं तो आई गेस छोटा सा टॉपिक सेट ऑफ जैसा निपट सकता है यू डिसाइड क्या करना है ब्रेक देंगे नो no डाउट सर यू गेट माई पॉइंट सर आप उल्टा सोचो इफ दे डू नॉट स्टडी राइट नाउ दे इल फेल इन द एग्जाम यू गेट माई पॉइंट दे कुछ भी करने हैं बोलते यार <laughs> 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 आप नहीं कर रहे मेरा हो गया हाँ कोई क्या मैं आ ही रहा हूँ हाँ अरे रुको <laughs> दोस्त को ऐसा बोलना पड़ता पांच मिनट में आ रहा हूँ <laughs> <laughs> पांच मिनट का मतलब समझता तुम ठीक है चलो इज ओवर yes. yes. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिविजन कराऊं, पांच मिनट लगेगा सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिविजन बुक बंद कर दो आंखें भी बंद कर लो आप जहां बैठे हो हिंदुस्तान में आंखें भी बंद कर लो बुक भी बंद कर लो सैलरी खत्म है और इसी के साथ हमारे चार टॉपिक खत्म है ठीक है हमने हमारे तीन रिकवर भी कर लिए आज के आज तो ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो गई कल और तीन रिकवर हो जाएंगे मतलब हम वापस उस जगह पे आ जाएंगे जहां हमें होना चाहिए ठीक ओके सबसे पहले सैलरी आंखें बंद सभी लोग प्लीज आंखें बंद कर दो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं तो आप भारत में जहां बैठे होंगे सिर्फ सुने और आंखें बंद कर लें ठीक है अच्छा हमने सबसे पहले सैलरी चालू करी सैलरी में तीन सेक्शन है पंद्रह सोलह सत्रह सेक्शन फिफ्टीन से इज दैट सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसिज आर रेंडेड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यूर रिस एवर इज अर्लियर सैलरी इज टैक्सेबल वैन देर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हम आगे बढ़े हमने बेसिक सैलरी पढ़ा बेसिक सैलरी के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सैलरी दो तरीके से दिया जा सकती है नॉर्मल पे ग्रेड पे फिर डी ए देखा डी ए दो तरीके से दिया जा सकता है नॉर्मल अमाउंट और परसेंटेज परसेंटेज दिया तो बेसिक का परसेंटेज लेने का जब तक डीए नहीं बताया रिटायरमेंट परपस के लिए है लेने का नहीं कौन दो तरीके से दिया जा सकता है नॉर्मल एंड मंथ्स हम आगे बढ़े हम लोगों ने सबसे पहले परक्स चालू किए गिफ्ट 5000 तक के nil 5000 से ऊपर कंप्लीटली टैक्सेबल दूसरा यूज ऑफ मूवेबल एसेट ओन्ड होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अदरवाइज एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड सेल ऑफ मूवेबल एसेट कंप्यूटर कार अरसेट डब्ल्यू डीबी डब्ल्यू डीबी एस एल एम फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट याद आ रहेगा एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना डब्ल्यू डीबी आएगा डब्लू डीबी में सेल वैल्यू माइनस करना आ जाएगा फिर हमने बात करी आर एफ ए आर एफ ए में फर्निश्ड अनफर्निश्ड फर्निश्ड का वैल्यू एस पर अन फर्निश्ड प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर ओन्ड होगा तो टेन परसेंट अदरवाइज एक्चुअल चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड अनफर्निश्ड के अंदर में दो बातें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट होगा तो लाइसेंस फीस नॉन गवर्नमेंट होगा तो तीन चीजें ओन्ड हायर्ड होटल अमेंडमेंट है Owned, है ओन्ड अगर तो पॉपुलेशन चेक करना पॉपुलेशन 40 लाख ,00 से ऊपर है तो 10 ऑफ सैलरी 15 से 40 लाख ,00 है तो 7.5 पॉइंट ऑफ सैलरी 15 से नीचे है तो 5 परसेंट ऑफ सैलरी अगर हायर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस और 10 परसेंट ऑफ सैली एवर इज लोअर अगर होटल में दिया है तो पहले पंद्रह दिन नील पंद्रह दिन के बियड ट्वेंटी सैलरी और एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड यस इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कार की कार

ठीक है अगर कार एम्प्लॉयर की है मेंटेन एम्प्लॉय करता है 600 और 900 हंड्रेड डिपेंडिंग अपॉन द सीसी प्लस नाइन हंड्रेड फॉर शॉफर इफ गिवन कार एम्प्लॉय की है मेंटेन एम्प्लॉय करता है निल कार एम्प्लॉय की है मेंटेन एम्प्लॉय करता है ऑफिशियल पर्सनल पर्प एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड एंड बोथ परपज होगा तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एटीन हंड्रेड और ट्वेंटी फोर द केस मे बी ठीक है बाजू करो फ्री फूड फैसिलिटी राइट टी स्नेक्स ड्यूरिंग ऑफिस आर नि रिमोट एरिया ऑफ एरिया नील पचास रुपए से नीचे होगा नील पचास रुपए के ऊपर होगा तो पचास रुपए पर थाली एग्जाम है फॉर थ्री हंड्रेड डेज इसके आगे हम बढ़े इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन की ओर बीस हजार तक के लोन होगा तो नील अगर आपका स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया गया होगा तो नील अगर आपका एस के रेट से इक्वल है तो भी नील एस के रेट के ऊपर है तो मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस Yes no? फिर हम गए थे आप और आपके परिवार परिवार में कौन कौन आता है वाइफ आते हैं बच्चे आते हैं प्लस ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स तब आते हैं जब वो डिपेंडेंट होंगे राइट ओके एग्जामेशन कितों के लिए अवेलेबल है एनी टू चाइल्ड बोर्न आफ्टर अक्टूबर 1998 मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ विल बी कंसीडर्ड एज वन फिर हम लोगों ने बात करी थी कि भैया अगर एयर से दिया तो इकोनॉमिक क्लास तक के एग्जाम ट्रेन से दिया तो फर्स्ट क्लास एसी तक के एग्जाम अदर में देखेंगे रेल रूट अवेलेबल रेल रूट नॉट अवेलेबल इफ रेल रूट अवेलेबल फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जाम अदरवाइज डिलेक्स क्लास तक का एग्जाम ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोगों ने देखा था स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड इस के केस में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नंबर ऑफ शेयर्स टैक्सेबल हो जाएगा यहां हमारा खत्म हुआ हम लोग आगे बढ़े राइट अलावेंस के अंदर में एच आर ए पहला अलावेंस था अगर 115 एंड फिफ्टी बी एसी ऑप्ट नहीं किया तो लोअर ऑफ थ्री थिंग पहला एक्चुअल दूसरा 50 और 40 परसेंट ऑफ सैलरी तीसरा रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी ठीक है एनी फैक्टर चेंज कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली ठीक इसके बाद हम लोग आगे बढ़े चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउं हॉस्टल अलाउंस हंड्रेड रुपीजी पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्टेक्टेक्टे टू टू चाइल्ड होस्टल के लिए थ्री हंड्रेड पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू चाइल्ड अंडरग्राउंड अलाउंस एट हंड्रेड पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस टू हंड पर मंथ याद आ रहा है आप लोग को राइट अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है फॉर हैंडीकेप एम्प्लॉज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पर मंथ रनिंग अलांस इज सेवेंटी परसेंट ऑफ एक्चुअल टेन थाउंड मंथ इज लोअर ये तभी मिलेंगे जब आप हंड्रेड्रेड्रेड्रेड फिफ्टी बी एसी ऑप्ट नहीं करते फिर हम लोगों ने बात करी थी यू नो फुली टैक्सेबल अलाउंसेज की फुल्ली टैक्स अच्छा वो ब्लाइंड वाले को थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का बेनिफिट मिलेगा याद रखना हंड्रेड एंड फिफ्टी बी एस सी में भी फिर हमने देखा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या क्या था उसके अंदर में बेसिक डी ए बोनस फीस कमीशन नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस सर्वेंट अलाउंस सिटी कमेंसेट्री अलाउंस ओवर टाइम अलाउंस वर्डन अलाउंस प्रोजेक्ट अलाउंस इंट्रम अलाउंस एनी अदर कैश अलाउंस याद आ रहा है इसके बाद हम गए थे रिटायरमेंट बेनिफिप पर रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले था ग्रेजुटी ग्रेजुटी के तीन पर ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द सर्विस एग्जाम आफ्टर द ड्यरिंग द सर्विस टैक्सेबल आफ्टर द्जाम ऑन रिटायरमेंट गवर्मेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्मेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम्ड नॉन गर्वर्मेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट नॉट कव अंडर ग्रेजुएटी एक्ट कव अंडर ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर में तीन चीजें पहला था एक्चुअल दूसरा था फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स एंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ फम्लियर सर्विस और पार्ट दर एक्स ऑफ सिक्स मंथ सीजनल एम्प्लॉय को सेवन बाय ट्वेंटी सिक्स लगा देना मैक्सम लो में ट्वेंटी लैक्स बराबर यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डी है अगर आप नॉट कवर्ड में है तो दो पॉइंट तो कॉमन हो गए हाफ इन टू एवरेज सैलरी फॉर टेन मंथस प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंट नंबर ऑफ ईयर ऑफ कम्प्यूटी सर्विस ओके बाद जुको पेंशन पेंशन के तीन पार्ट ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द देथ ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल आफ्टर द देथ टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड अनकम्यूटेड अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल कम्यूटेड में दो पार्ट गवर्मेंट नॉन गवर्मेंट गवर्नमेंट होगा तो फुली एग्जाम नॉन गवर्मेंट होगा तो दो पार्ट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी इन रिसिस्ट ऑफ ग्रेचुटी है तो वन थर्ड इज एक्साम अदरवाइज वन हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जाम फिर हमने बात करी थी इसकी लीव ट्रैवल की लीव ट्रैवल इंपॉर्टेंट वाला जो था वो राइट लोअर ऑफ फोर थिंग पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम लिमिट ट्वेंटी फाइव लैक्स याद रहेगा तीसरा एवरेज सैलरी फॉर टेन मंथ्स चौथा लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज याद है क्या तुमको येस और नो लीव क्रेडिट फॉर थर्टी डेज थर्टी डेज का जो लीव क्रेडिट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा बैलेंस लीव इन एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी फिर हम आगे बढ़े हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड देखा आरपीएफ का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा बियॉन्ड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी टैक्सेबल ओन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर ए टी सी इफ नॉट ऑप्टेड फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी तीसरा इंटरेस्ट नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तक के एग्जाम फाइनल अमाउंट एग्जाम फाइनल अमाउंट तब एग्जाम होगा जब आप पाँच साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं पाँच साल से नीचे अगर चार रीजन है तो एग्जाम रहेगा इल सर्विस एम्प्लॉयर ने काम धंधे बंद कर दिए आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया अकाउंट भी शिफ्ट कर दिया या आपने एनपीएस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया बराबर नेक्स्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे एन पी एस आर पी एफ सुपर एनेशन फंड में मिला के साढ़े सात लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो जितना एक्सेस कर रहे हो वो परक्विजिट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे पीसी अपॉन टू इंटू आर प्लस टीपी वन पी सी वन इंटू आर बराबर है फिर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा एम्प्लॉई ने एक चार दो हजार इक्कीस के बाद आरपीएफ में ढाई लाख रुपए के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट किया तो जितना ढाई लाख रुपए के ऊपर जा रहा है उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर ऐसे फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे जिसमें एम्प्लॉयर ही नहीं है ढाई लाख की जगह वो लिमिट कितनी है पांच लाख डिडक्शन तीन पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स स्टैंडर्ड मिलेगा 115 बीएससी ऑप्ट किया या नहीं बचे हुए दो 115 बीएससी में मिलते हैं डन थैंक यू सो मच या दिन भर में पढ़ाया अपन ने गौचा आज का काम ये है पूरा एक बार वापस पढ़ने का ठीक है एक सुपर एनुएशन फंड जो है जो हमने लिखा नहीं पर बुक के अंदर में है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर टैक्सेबल इज दट डन मालिक नो yes no? तो आज हमारा सैलरी भी खत्म होता है मेहनत करी सबसे पहले अपने खुद के लिए ताली बजाई आपने बहुत मेहनत करी आज मैंने तो की ही आपने बहुत मेहनत करी ठीक है कल मिलेंगे हम लोग कल नॉन हेड लेंगे ताकि हेड का थोड़ा सा फीवर उतरे हम नॉन हेड टॉपिक लेंगे कल मे बी डिडक्शन और टीडीएस एज द केस मे बी इज डन यस कल का टाइमिंग भी अगेन आज जैसे टेलीग्राम ऊपर डालूंगा मान करके चलिए यही रहेगा क्योंकि आने वाले सैटरडे या संडे माइट भी मैं नहीं रहूँगा तो मैं कल इसी टाइम पे मान लीजिए जितना है उतना रिकवर करूँगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर जितना यूट्यूब पर पब्लिक था दिन भर से आप लोग भी थे बहुत बड़ी बात है यस yes. बाय बोलो बच्चों